गुड मॉर्निंग क्लास एट, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन। लेट स्टार्ट टुडेज स्टडीज। क्लास एट, अभी आपका चैप्टर चल रहा था ऑपरेशन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जो कि मैंने आपको सैटरडे को खत्म करा दिया था। संडे को आपका छुट्टी थी और मंडे को कैलाश मेले की आपका हॉलीडे था। आज उन दो छुट्टियों के बाद हम आज नए चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 15, क्वाड्रिलेटरल्स। ये चैप्टर आपकी बुक आर एस अग्रवाल, ये आपकी बुक है जो आर एस अग्रवाल, ये राइटर आर एस अग्रवाल है, क्लास एट, उसमें पेज नंबर 184 पर है। किस पेज पर है? 184 पर ही आपका चैप्टर अवेलेबल है। तो बात करते हैं हम क्लास एट, क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं। क्वाड्रिलेटरल्स वो होते हैं जो कि फोर लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स वो होते हैं जो फोर लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, उसे हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, क्वाड्रिलेटरल्स हैं। अब क्वाड्रिलेटरल्स, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटर में कौन कौन से आते हैं? क्वाड्री लेटरल में स्क्वायर भी आता है, रेक्टेंगल भी आता है, रोम्बस भी आता है। इतने ही फोर साइड फिगर्स है, कितनी? फोर साइड फिगर होती है क्लास, वो सब क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। क्यों कहलाती है? कारण क्या है? क्वाड्री, क्वाड्री माने होता है चार। क्या होता है? क्वाड्री माने क्या होता है? चार, यानी फोर साइड के मिलकर जो फिगर बनती है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो जो आपकी बुक में दे रखा है उसके हिसाब से ये फिगर है एबीसीडी, दोबारा बनाना पड़ेगा इसको, साफ सुथरा बना लेते हैं अच्छा सा, वो कैसा भी हो सकता है। ठीक है क्लास, ए बी सी डी। ओके क्लास, फर्स्ट पहली बात क्वाड्रिलेटरल की, क्वाड्रिलेटरल की पहली बात कि फोर वर्टेक्स होती हैं। क्या होती है इसके अंदर? फोर वर्टेक्स होती हैं, वो है ये ए बी सी डी, यानी फोर पॉइंट कह सकते हैं कहने को, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ये क्या है? फोर वर्टिक्स हैं इसकी। क्या है? ए बी सी डी, क्लियर। इसके बाद सेकेंड चीज, इसके अंदर फोर लाइन सेगमेंट है। क्या है? लाइन सेगमेंट। फोर लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं? एक ए बी है लाइन, एक बी सी है, एक सी डी है और एक ए डी है, क्लियर। एक ए बी है, एक बी सी है, एक सी डी और एक ए डी है या डी ए है, एक ही बात है। ये हो गए आपके फोर लाइन सेगमेंट। उसके बाद आता है आपके चार एंगल्स है इसके अंदर। और क्या है? एंगल्स हैं। एंगल्स कौन से हैं? एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी और एंगल डी है। ये इसके चार एंगल हैं, ए है, बी है, सी और डी। ओके क्लास, और फोर्थ है टू डायगोनल्स है। इसके डायगोनल्स है टू, कौन कौन से? ए सी और बी डी, यानी ए सी और बी डी। क्या है?
दो क्या है इसके अंदर डायगोनल, क्लियर। तो क्लास एट फोर वर्टिक्स ए बी सी डी, फोर लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी और ए डी, फोर एंगल्स एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी और टू डायगोनल्स ए सी और बी डी, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल की चीजें। क्लियर क्लास, समझ में आ गया आपको बात। अब हम बात करते हैं इसके आगे, इतना क्लियर है। अब आ रहा है इसके अंदर एलजी आ रही है, एडजेसेंट साइड्स क्या आ रही है, एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं। क्लास एट एडजेसेंट साइड्स वो होती हैं अ टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैव अ वन कॉमन एंड पॉइंट, जिनका दो का कॉमन एंड पॉइंट होता है उसे हम उसकी एडजेसेंट साइड कहते हैं। जैसे कि देखिए ये ए बी है और ये बी सी है, इन दोनों का एंड पॉइंट क्या कॉमन, ये है, ये भी यहाँ से निकली और ये भी यहाँ से निकली। तो कहने का मतलब ये है कि ए बी की एडजेसेंट कौन सी हो गई, बी सी हो गई, यानी ए बी की एडजेसेंट कौन सी है, बी सी है, और बी सी की कौन सी है, बी सी, इस बी सी की कौन सी है, इस सी डी है, कौन सी है, सी डी है, यानी इसकी तो ये थी, इसकी ये है, और इसकी कौन सी है, सी डी की, सी डी की है डी ए, कौन सी है, सी डी की कौन सी है, डी ए, और डी ए की कौन सी है, ए बी। क्लियर क्लास, दोबारा समझिए, ये कह रहा है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड जो होती हैं डेफिनेशन है टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैव अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स, जिनका कॉमन एंड पॉइंट होता है। तो देखिए ए बी, ए बी कौन सी है, बी सी, कॉमन एंड पॉइंट, बी सी की सी डी, ऐसा कॉमन एंड पॉइंट ये है, और सी डी की डी ए ये है, और डी ए की ए बी ये, यानी इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये और इसकी ये क्या हो गई, एडजेसेंट साइड हो गई, क्या हो गई क्लास, एडजेसेंट साइड हो गई, क्लियर। सेकंड होता है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड बारे आमने सामने वाली, ए बी की अपोजिट कौन सी है, ए बी की अपोजिट है डीसी, कौन सी है, डीसी, और बीसी की अपोजिट कौन सी है, एडी, क्लियर। एबी की डीसी, इसकी अपोजिट ये है और इसकी अपोजिट ये है, सामने सामने वाली, तो कहलाएंगी अपोजिट साइड कहलाएंगी, क्लियर है क्लास। एडजेसेंट साइड समझ में आ गई, इसकी एडजेसेंट साइड ये है, इसकी ये, इसकी ये और इसकी ये, अपोजिट साइड इसकी अपोजिट साइड ये और इसकी अपोजिट साइड ये, क्लियर है, कोई डाउट। अब बात करते हैं, ये तो कोई एडजेसेंट साइड्स, अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की, इसकी बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की, क्लियर है। देखिए थर्ड है एडजेसेंट एंगल्स, अब जैसी साइड थी वैसे ही उसके एडजेसेंट क्या है, एंगल्स हैं। जैसे कि ए का एडजेसेंट कौन सा है, बी, जो ए की लाइन पर है। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, टू एंगल्स क्वाड्रिलेटरल हैविंग कॉमन आर्क, जो ए की लाइन पर दो एंगल होते हैं वो एंगल कैसे कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं, ए कॉमन आर्क, ए और बी कौन से हैं, एडजेसेंट हैं, एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या है, एडजेसेंट है, ठीक। ऐसे एंगल बी और एंगल सी एडजेसेंट है, ये भी दोनों एक ही लाइन पे हैं। ऐसे ही एंगल सी और एंगल डी भी क्या है, आपस में एडजेसेंट है, और एंगल डी
और एंगल ए भी आपस में क्या है, एडजेसेंट है, यानी एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट है, बी और सी एडजेसेंट है, सी और डी एडजेसेंट है, और डी और ए आपस में एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जो कि जिनके आर्म क्या होती है, कॉमन होती है, उसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। क्लियर क्लास? फोर्थ आ रहा है अपोजिट एंगल। कौन सा अपोजिट एंगल? अपोजिट कौन सा है? एंगल ए। ए का अपोजिट कौन सा है? एंगल सी। ए का अपोजिट कौन सा है? सी। और बी का अपोजिट कौन सा है? एंगल डी। क्लियर? ए का कौन सा है? सी। और बी का एंगल कौन सा है? डी। ये कौन से हो गए? अपोजिट एंगल हो गए। ओके क्लास, ये हो गए आपकी, इसकी चार बातें, चार चीजें। एडजेसेंट साइड्स, एक ए बी की बी सी, बी सी की सी डी, सी डी की डी, और डी ए की ए बी। ये पहली बात थी एडजेसेंट साइड। उसके बाद अपोजिट साइड्स, ए बी की अपोजिट साइड डी सी, और बी सी की ए डी। क्लियर? उसके बाद से एडजेसेंट एंगल्स, यानी जो एक कॉमन आर्म पर हो, एक या एक का एडजेसेंट बी, बी का सी, सी का डी, और डी का ए, और उसके बाद अपोजिट एंगल, ए का अपोजिट एंगल सी, और बी का अपोजिट एंगल डी। क्लियर है क्लास? ये हो गया आपकी, इसकी प्रॉपर्टीज या कह सकते हैं इसकी बारे में बताना क्वाड्रिलेटरल के। अब आ रहा है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम कितना होता है क्लास? क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो वो कैसे होता है, उस एंगल सम प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। ओके क्लास, तो देखिए कैसे करनी है वो एंगल सम प्रॉपर्टी। The proof that the sum of the angles, prove that the sum of the angles of quadrilateral is 60 degree. ठीक है, ये आपके पास ये है, आप डायग्राम बनाइए इसका। डायग्राम कैसा भी बना सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बुक जैसा ही बनाए, ये कुछ कंपलसरी नहीं है। अब सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और ए सी क्या है, इसके अंदर डायगोनल है। लेट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड
एंड ए सी इज अ डायगनल. क्लियर क्लास? एबीसीडी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है और एसी क्या है? उसका डायगनल है. हम जानते हैं, इसमें दिख रहा है हमको एंगल वन प्लस एंगल टू. एंगल वन और एंगल टू किसके बराबर है? एंगल ए के बराबर है. क्लियर? ऐसे ही एंगल थ्री प्लस एंगल फोर किसके बराबर होता है? एंगल सी के बराबर है. क्लियर? कितनी बार आपको समझ में आ गई कि एंगल वन और एंगल टू का सम किसके बराबर है? ए के बराबर है. और एंगल थ्री एंगल फोर का सम किसके बराबर है? सी के बराबर है. हम जानते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का तीन ट्राइंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री. तो लिखिए इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन होता है ए बी सी. इन ए बी सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम. ए बी सी इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इसके अंदर एंगल टू प्लस एंगल फोर प्लस एंगल बी इसके बराबर होंगे 180 डिग्री के. इसे क्वेश्चन में वन मान लीजिए. क्लियर है क्लास? क्या किया अभी तो हमने सिर्फ इतना करा था, उसके बाद लिखा वी नो दैट द सम ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है. इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल की बात करी, इस ट्रायंगल की बात करी क्लास ए बी सी, उसमें एंगल टू एंगल फोर और एंगल बी, यानी ये तीनों का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर. इसे मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर वन. क्लियर? अब ऊपर वाले को रफ कर दे रहा हूं मैं. अब इसके बाद ऊपर लिखी हुई है क्लास, ठीक है? ध्यान से देखिएगा. अब लिखिए इन ट्रायंगल ए सी डी, इसमें ऊपर वाले ट्रायंगल में ए सी डी, यानी ए सी डी इस ट्रायंगल में देखिए एंगल वन प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल डी, ये भी किसके बराबर हो गई? 180 के बराबर हो गई. ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर हो गई टू. अब क्या करेंगे? एडिंग द बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को क्या करिए? जोड़ दीजिए. तो देखिए इसको जोड़िए, एंगल टू प्लस एंगल फोर प्लस एंगल बी, और इसके जोड़िए एंगल वन प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल डी, और इधर की साइड जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 180 180 360. क्लियर? क्या किया? इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को क्या करिए? जोड़ दिया. तो टू फोर बी, उसके बाद 13 डी इज इक्वल टू 180 180 360. क्लियर है? अब देखिए यहां पर, अभी यहां पर लिखा था 102, एंगल 2 102 इसके बराबर है एंगल ए के, यानी एंगल 102 इसके बराबर हो गए. 102 को एक साथ लिख दीजिए प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 एक साथ लिख दीजिए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री. ओके क्लास? ये रफ रफ कदरा उतरा, जरूरत नहीं है इसकी. क्लियर? क्या किया? वन टू थ्री फोर को एक साथ लिख दिया और ये बी और डी को एक साथ लिख दिया. ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए वन और टू किसके बराबर है? ए के बराबर. यहाँ क्या होगा? ये एंगल ए इसकी जगह पर. थ्री और फोर किसके बराबर है? सी के. ये किसके बराबर हो गया? सी. एंगल बी प्लस एंगल डी इजिकल टू 360. देख रहे हैं आप, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इसके बराबर हो गया सबका सम 360 डिग्री के बराबर हो गया. और आपको ये प्रूव करना था कि क्वाड्रेटर के चारों एंगलों का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है. क्लियर है क्लास? दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन था एबीसीडी डायगोनल है,
और जिसके अंदर ए सी क्या है, एक ए सॉरी ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और ए सी क्या है डायगनल है। हमने क्या करा, एंगल वन प्लस टू, ये एंगल वन प्लस टू किसके बराबर है, ए के बराबर, यहाँ लिख दिया। ऐसे एंगल थ्री ऑफ फोकस के बराबर है, सी के बराबर, वो यहाँ लिख दिया। वी नो दैट द सम ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री, किसी भी ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, एंगल टू प्लस एंगल फोर प्लस एंगल बी किसके बराबर है 180 के बराबर। अब बात कर रहे हैं ट्राइंगल ए सी डी की, ए सी डी एंगल वन प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल डी किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर है। एंड इन द बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को जोड़ दीजिए, जोड़ा एंगल टू प्लस फोर प्लस बी प्लस वन थ्री डी इजिकल टू 180 180 360। इधर मैंने इस सीक्वेंस में लगा दिया एंगल वन टू थ्री फोर बी और डी, क्लियर है। वन और टू किसके बराबर है, ए के बराबर, यहाँ लिखा हुआ है, ये एंगल का साइन निकला है ना। ए के बराबर थ्री एफ किसके बराबर है, सी के बराबर, ये बी ऐसा ही, ये डी ऐसा ही, क्लियर हो गया। सारे को एक सीक्वेंस में लगाया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ओके क्लास, ये था आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी थी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसके आपको समझ में आ गए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सब 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स होती हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं और एडजेसेंट वो अपोजिट एंगल्स भी होते हैं। इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं कल शुरू कराऊंगा क्लास आपको, आज इतना ही करा रहा हूँ। आज आपको होमवर्क है कि आप जितने भी ये पढ़ाया है मैंने उसको रिवाइज करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उससे पूछिएगा, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी को ढंग से करिएगा। आपकी बुक में भी पेज नंबर 184 पर दे रखी है, उसको अच्छी तरह करिएगा और उस प्रॉपर्टी को आपको कॉपी में भी उतारना है। ओके क्लास, क्लियर है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।